नमस्कार दोस्तों, राम कला यादव दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। यार दोस्तों, हम बात करने वाला हूं कि दूध डेयरी जैसे हम चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, जैसे अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो दूध डेयरी जो अधिकारी होते हैं वो लोग आपके कितने पैसे काटते हैं। ऐसा दोस्तों आप लोग भी अक्सर कमेंट आता रहता है, सर जी हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए कि जैसे हम दूध डेयरी ले लिए हैं, अगर हम दूध डेयरी साल दो साल तीन साल कभी भी अगर बंद कर रहे हैं तब जो है दूध डेयरी वाले कितने पैसा काटते हैं, उसमें पैसा आपका जमा रहता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो हम इस विषय में टोटल चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक सर, कि जैसे अगर आप दूध डेयरी बंद कर रहे हैं, मान लें दो चार छः महीने या साल भी आपने चला लिया, फिर अगर आपको ऐसा बंद करना है तब जो है कितना पैसा काटा जाता है। जहाँ दोस्तों बात आती है पैसा काटने की, अगर जो भी सामान आपको दिया गया है वो सामान सही सलामत है, वो सिक्योरिटी इसलिए लिया जाता है कि वो लोग आपको सामान दिए रहते हैं ताकि आप जो है उनके सामान को नुकसान ना कर सकें। अगर कोई नुकसान होता है तो आपके सिक्योरिटी से काट लिया जाएगा। अगर सिक्योरिटी कम है तब कैसे काटेंगे, तो आपका ब्लैंक चेक रहता है, वो ब्लैंक चेक भर करके आपके खाते से भी ले सकते हैं वो। तो बाकी अगर आप उनके सामान को, जो भी सामान दिए हैं सब सही सलामत है, कोई आप तोड़ फोड़ खराब नहीं किए हैं, तब जो है आपको एक रुपया भी नहीं कटता है। जितना आपका पैसा जमा है, चेक है, वो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद जो भी उनका सामान है वो अपने सामान उठा ले जाते हैं और इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आपका एक भी रुपया नहीं कटता। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कालो समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।